सर, वो जगह काफी सुंदर है। वैसे वहां के लोग किसी भी वक्त नशे में धुत रहते हैं, लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है हमारा प्रोडक्ट वहां काफी अच्छा चलेगा, क्योंकि वहां के लोगों को आयुर्वेदिक औषधियों पे एक अटूट विश्वास है। मैंने उस जगह को अच्छी तरह से देखा है और काफी स्टडी भी किया है, और मैंने एक घर देख के फाइनल कर दिया है ऑफिस के लिए। ग्रेट, वेल डन माय बॉय, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। रुको, एक और बात, एमडी सर ने बोला है तुम्हें वहाँ ब्रांच देने के लिए, इसमें तुम क्या बोलते हो? अच्छा होगा सर, मुझे कोई एतराज नहीं है। ओके, इस महीने के 24 तारीख को तुम लोग वहाँ जाओगे और अगले महीने की 1 तारीख को ऑफिस का ओपनिंग करोगे। ओके, थैंक यू सर। हेलो। हेलो प्रिंस। हाँ बोलो। निशा मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। काफी दिनों से मैं वो बात आपसे कह नहीं पा रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मैम, आई रियली लव यू। अच्छा, और कुछ? आई रियली लव यू निशा। हेलो निशा, हेलो हेलो मैम, हेलो। मुझे मैम बोल रहे हो और इधर मुझे ही प्रपोज कर रहे हो। देखो निशा, तुम ऑफिस में मेरी सीनियर हो, लेकिन उम्र में तो तुम मुझसे छोटी हो। देखो, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, और प्यार में कोई उम्र नहीं होता। प्यार में अमीर गरीब, ऊंच नीच, ये सब नहीं होता। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये बात सच है, लेकिन उसके साथ ही इस बात का उतना ही ध्यान रखता हूँ कि तुम मेरी सीनियर हो, और मैं उस बात की रेस्पेक्ट करता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। देखो प्रिंस, अच्छे और खूबसूरत लड़के हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वर्तमान समय में तुम अपने आप को और सफलता की ऊंचाई पर ले जाने पर ध्यान दो, और अगर ऐसे ही रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर इस उम्र में पैसा घर बार नहीं करोगे तो कब करोगे, और भविष्य में क्या होगा, इस बारे में कुछ सोचा है? और ऐसे भी हम ऑफिस में काम करने आए हैं, हमारा जो गोल लक्ष्य है उसे हमेशा याद रखना। अगर ये बातें ऑफिस में किसी को भी पता चली तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी क्या हालत होगी, पता है ना? इसलिए ये सब छोड़ो, मुझसे कई ज्यादा अच्छी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी। ऐसे भी मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है तुम्हारे लिए, बस तुम मेरे जूनियर ट्रेनी हो, अच्छे से काम करते रहो। हेलो हेलो निशा, हेलो निशा, हेलो हेलो,